स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट हिल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। FSL के नाम से भी हम इस कंपनी को जानते हैं। कंपनी ने Q4 के नतीजे अनाउंस कर दिए हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको पता चलेगा कि कंपनी के रिजल्ट प्रॉफिट में आया है या फिर लॉस में, और क्या हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल इनकम की बात करें तो Q4 में 1544 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ है। उसके पहले क्वार्टर में 1464 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ था, और एक साल पहले की बात करें तो 1460 करोड़ का इनकम जनरेट हुआ था। यानी कंपनी की इनकम बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बात करें एक्सपेंस की, कंपनी ने कितना एक्सपेंस खर्च किया है तो 1387 करोड़ का यहाँ एक्सपेंस खर्च किया इस क्वार्टर में। उसके पहले 1302 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया था, और एक साल पहले 1295 करोड़ का एक्सपेंस खर्च किया था। यानी कंपनी ने इस क्वार्टर में एक्सपेंस ज्यादा खर्च किए हैं पिछले साल की तुलना में भी, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 156 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में, उसके पहले 161 करोड़ का, और उसके एक साल पहले 53 करोड़ का। तो कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस है वो खराब है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद क्या प्रॉफिट आया है उस पर बात करते हैं। तो 1323 यानी कि 132 करोड़ का प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में। उसके पहले 135 करोड़ का प्रॉफिट आया था, और एक साल पहले 46 करोड़ का प्रॉफिट आया था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा निराशाजनक है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का देखे तो 1.95 रुपए है इस क्वार्टर में। उसके पहले क्वार्टर में 1.99 रुपए का था, और एक साल पहले 59 पैसे का था, 69 पैसे का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज्यादा है। स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 111 रुपए। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो और नीचे हमें स्टॉक जाते हुए देखने को मिल सकता है, और गिरावट इस स्टॉक में हो सकती है। बेटर ये रहेगा स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो काफी बेस्ट रहेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम भी लग सकता है स्टॉक में, और प्रॉफिट भी आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं इस स्टॉक में, ट्रेड करने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि बायर्स आए और काफी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली। स्टॉक इस लेवल तक गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर उसके बाद फिर बायर्स आए, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद फिर बायर्स आए, और ये इस लेवल तक ये स्टॉक चला गया था। यानी कि 4.5% स्टॉक ने आज उछाल दिखाया था इस टाइम तक, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसका एक रीजन है जो आज के दिन पूरा गेम हुआ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सभी लोगों को पता था, जो रिटेलर्स हैं और जो इन्वेस्टर हैं, सबको पता था कि आज कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। तो जब भी स्टार्टिंग में बाइंग होती है तो रिटेलर्स या फिर इन्वेस्टर ये समझते हैं कि स्टॉक का जो कंपनी है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, इसीलिए आज स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। इस अजम्पशन के चक्कर में स्टॉक को वो बाय करते हैं, ये समझ कर कि स्टॉक का रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलेगा, वो बाय कर लेते हैं। उसके बाद स्टॉक में सेलिंग आ जाती है, तो जो भी ऑपरेटर्स ने यहाँ पे एंट्री ली होगी वो यहाँ पे सेल कर देंगे, और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि रिजल्ट की जो टाइम था वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग था, मार्केट के क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट अनाउंस किया गया, और रिजल्ट पता चला कि उतना अच्छा नहीं है जितना लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.95 करोड़ का वॉल्यूम आया है, और डिलीवरी केवल 36 लाख उठाई गई है, 18% उठाई गई है डिलीवरी। और ऑन एन एवरेज अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो डिलीवरी 18% नहीं उठाई जाती, बल्कि काफी ज्यादा क्वांटिटी में उठाई जाती है, 36%, 40%, 50%। तो स्टॉक में आज के दिन काफी कम डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि आज के दिन हमें इंट्राडे होते हुए देखने को मिला है। जो भी ट्रेडिंग हुई है आज इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, किसी ने भी डिलीवरी उठाई ही नहीं है, और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आगे के लिए होल्ड नहीं किया है। स्टॉक का नियरेस्ट सपोर्ट 111 है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, और मैंने ये भी बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहां पे डेप्थ को देखेंगे, डेप्थ इंक्रीज हो चुका है, लेकिन इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स देखेंगे उसमें कंपनी काफी अच्छे तरह से खरी उतर रही है। ROCE 17% से ज्यादा है, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसका वैल्यूएशन भी काफी कम है, अपनी इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से हाफ चल रहा है। इसका मार्केट कैप मिड कैप की कंपनी है, 115 रुपए का करंट प्राइस है, 243 रुपए से स्टॉक 115 तक आया है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी चल रही है, रिजर्व भी कंपनी के पास काफी ज्यादा है, एसेट भी काफी ज्यादा है।
53% से ज्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी और 10% सॉरी 10 रुपए का फेस वैल्यू का ये स्टॉक है। तो ऑल ओवर जितने भी हम फंडामेंटल देख रहे हैं, अगर हम डेप्थ को यहाँ पे डेप्थ को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो सारे पॉइंट्स में हमें कंपनी काफी अच्छी दिख रही है। बाकी अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो कंपनी पिछले साल में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, 5,000 करोड़ की सेल्स आई है पिछले साल में और प्रॉफिट 362 करोड़ का। तो लगातार कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, उस तरह से हम ये ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी जरूर अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को देगी। सो दैट्स वाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में हमें कोई एक अच्छा लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कोई भी अच्छा लेवल नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी हमने सोचा था कि स्टॉक सपोर्ट लेगा और इसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड हो चुका है, लेकिन स्टॉक ने फिर से ब्रेक डाउन दिया और स्टॉक फिर से और नीचे आ चुका है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करते हैं तो ऐसा होगा कि स्टॉक में सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया या फिर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये काफी अच्छा स्टॉक है, काफी सस्ता स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन भी काफी कम हो चुका है इतनी गिरावट के बाद और फंडामेंटल भी कंपनी का जबरदस्त है। तो अगर कंटिन्यू रहना चाहते हैं स्टॉक में कंटिन्यू रह सकते हैं, इतनी गिरावट से आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट में कंपनी के बिजनेस से आपको आगे आगे का फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिलता है, ना कि शेयर प्राइस की गिरावट से। शेयर प्राइस अगर गिर रहा है तो उसमें आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी होती है, बल्कि आपको अपनी रिसर्च करनी होती है कि स्टॉक में क्या सच में सेल करने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, आप सेल करना चाहिए, तब आप सेल कर सकते हैं। बट अगर कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा है तो कंपनी के सेल करने से पहले आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।